शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तैयार हो गई? हाँ, तैयारी तो है। वेरी नाइस। चल अब जल्दी से नीचे रख। क्या? अरे देख क्या रही है, जल्दी नीचे रखना। अब मैं बता दूंगी तैयार कैसे करना है। जरा दिखाना। हमने सोचा था कि अपने हाथों से तुझे दुल्हन बनाएंगे, लेकिन देख आज उल्टा हो रहा है। तू कहती है ना, जब लड्डू गोपाल साथ हैं तो फिक्र की क्या बात है। तो उन्हीं पर छोड़ देते हैं सब, वो जो भी करेंगे सब अच्छा ही करेंगे। कितनी सुंदर लग रही है। हाँ, एकदम चांद का टुकड़ा। और लगे भी क्यों ना, मैंने जो तैयार किया। किसी की नजर ना लगे तुझे। लाला जी कह रहे थे कि यश जी बस पहुंचने ही वाले हैं। तो मैं यश के सामने ही नहीं जा पाऊंगी, मैं अपने कमरे में जा रही हूं। बस कुछ ही घंटों की बात है, फिर तू मिल पाएगी यश जी से। और तू चिंता मत कर, यश जी तेरी अमानत है और हम अपनी ऋचा की अमानत पर आंच भी नहीं आने देंगे। कितनी अच्छी अंजलि। थैंक यू सो मच। अब तू बैठ। ये कंगन हमारी माँ ने हमें दिए थे। अब हमारा इस दुनिया में तेरे सिवा तो कोई नहीं है ना, तो आज से ये कंगन तेरे हुए। ये तो बस 90 दिन की शादी है माई, अपने आंसू बचा के रखो, हमारी असली शादी में काम आएंगे। शादी असली हो या नकली, एक बेटी को शादी के जोड़े में देखकर माँ का कलेजा तो बाहर ही आ जाता है। फिर ये आंसू कहाँ रुकते हैं, बिना रोक रोक के बाहर आ जाते हैं। पर पता नहीं क्यों
हमारा मन बहुत घबरा रहा है बेटा। हमारा बस चले ना तो हम इस 90 दिन की शादी को अभी यही रोक दे, लेकिन तुमने हमें चुप रहने पर मजबूर कर दिया। मेरी प्यारी माई, अच्छा हम बाहर जाके देखते हैं किसी को कुछ चाहिए तो नहीं। तू आराम कर। माई को समझ ही नहीं आ रहा है कि 90 दिन बाद तो हम उनके पास वापस आ ही जाएंगे। बिहारी जी झूठ ना बुलवाएं। ये लेट लतीफी की आदत ना आपकी जाएगी नहीं। अरे सब लोग अग्रवाल हाउस के लिए निकल चुके हैं और मैं यहाँ आपकी वजह से अटकी बैठी हूँ। अरे सुन रहे हो? अरे उस लड़की पल्लो से छुपता फिर रहा हूँ, कल 13वीं में उसने मुझे देख लिया था। बड़ी मुश्किल से जान बचाकर भागा था मैं वहां से कल। तो क्या पल्लो को सब कुछ पता लग गया? नहीं नहीं अभी तक तो नहीं। एक काम कर, मेरे कपड़े निकाल, मैं फटाफट नहा के आता हूँ, चलते हैं फिर शादी में। बाल बाल बच गया मैं। पल्लो को अगर पता चल जाता कि उसकी चचेरी बहन पूनम को यश से शादी करने के लिए मैंने मथुरा बुलाया है, बड़ा कांड हो जाता आज। वो तो शुक्र है उमादी जी, अलका दीदी और ताई जी कल हो। इस बात का किसी को पता नहीं है घर में कि जो भी लड़की यश से शादी करेगी वो 90 दिन के अंदर मर जाएगी। पूनम तो शादी के बाद होते ही मर गई, पता नहीं अंजलि कितने दिन जिएगी, 90 दिन, 90 घंटे या फिर 90 मिनट। तुम बाहर थी तो मैं इतनी देर से किससे बात कर रहा था? आप उमा काकी, बड़ी दादी और अलका आंटी, आप सबके सब खूनी है, हत्यारे हैं आप लोग। अरे आप सबने मिलके पहले मेरी बहन को मार डाला और अब अंजलि दीदी की जान के पीछे पड़े। नहीं मामा, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। आपने हम सबको ये बताया कि यश भैया की कुंडली में दोष के कारण वो जिस भी लड़की से शादी करेंगे वो 90 दिन में टूट जाएगी। अरे लेकिन सच ये है मामा कि वो जिससे भी शादी करेंगे वो 90 दिन में मर जाएगी। मैं सबको सब कुछ बता दूंगी, मैं अंजलि दीदी को नहीं मरने दूंगी। मैं पुलिस को बुलाऊंगी और आप सबको गिरफ्तार करवाऊंगी। गोपाल, आपको भी हमारे साथ आने के लिए तैयार होना होगा। शादी 90 दिन की ही सही, लेकिन ससुराल तो जाना पड़ेगा ना। लाला जी, काश ये सब वैसे नहीं होता जैसे हो रहा है। काश मैं तेरी शादी अलग ढंग से कर पाता,
वो तो आपको करना ही होगा लाला जी। अभी आप ऐसे सोचिए जैसे हमारी असली शादी की रिहर्सल है। चाहे ये 90 दिन की शादी क्यों ना हो, पर मैं तुझे इस तरह खाली हाथ थोड़ी ना जाने दे सकता हूं। लाला जी, बेटा तुम मुझे पापा कह सकती है। जब से तो इस घर में आई है मैंने तुझे हमेशा अपनी बेटी ही माना है, और आज मैं अपनी बेटी का कन्यादान भी तो करूंगा ना। लगता है वो लोग आ गए, तो जल्दी आ जा। देखा गोपाल, आज हमारे पिता ने अपने हाथों से हमें आशीर्वाद के रूप में ये तोहफा दिया है। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।